हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ठंडाई बनाना बता रही हूँ। उसके लिए हमने एक फ्रेश रोज लिया है, इसके हमने पंखुड़ियाँ निकाल ली हैं, कुछ केसर लिया है जिसे हमने पानी में भिगो दिया है, एक टेबल स्पून सौंफ लिया है, आधा लीटर दूध लिया है, 10 काजू, 10 बादाम, 10 पिस्ते और खरबूजे के बीज, हाफ छोटी चम्मच इलायची पाउडर, हाफ छोटी चम्मच काली मिर्च, 2 छोटे चम्मच खसखस, आधा कप शक्कर। ये सबको हमें 7 से 8 घंटा या तो पूरी रात भिगा कर रखना है। ये हमने पहले से ही पूरी रात भिगा कर रखा है। रात भर भिगाने के बाद हमने बादाम और पिस्ता के छिलके निकाल लिए हैं। अब और छन्नी से हमने इसका पानी निकाल दिया है और अब हम मिक्सी के जार में डालकर इसका महीन पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से पेस्ट बन जाए इसके लिए हम एक छोटा चम्मच पानी का डाल देते हैं। ऐसे आप एकदम स्मूथ बारीक पेस्ट बना लें। ठंडाई बनाने के लिए हमने जो दूध लिया था उसे हमने एक पतीली में चढ़ा दिया है पकने के लिए। उसमें हम केसर डाल देते हैं और इसे उबाल आने देते हैं। उबाल आ गया है, अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे, इलायची पाउडर, इसे मिक्स कर दें। अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीस के बनाया था। पेस्ट को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक पका लें। 3 मिनट हो गए हैं, हमने गैस बंद कर दी है, इसे हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम फ्रिज में इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। ठंडाई को हमने फ्रिज में 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे सर्व करेंगे ग्लास पे। सर्व करने के लिए हम आइस डाल देते हैं। अब हम इसमें ठंडाई डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा सजाएंगे, थोड़े पिस्ता, कटे बादाम से, 1 पिंच इलायची पाउडर, थोड़ी सी केसर, फ्रेश रोज पेटल्स। ठंडाई तैयार है सर्व करने के लिए। ठंडाई बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। इसे आप गर्मी में जरूर बनाएं। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।